नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप DSSSB के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज की मंथली फीस से हमारी एक्सपर्ट टीम जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनकी गाइडेंस में मटेरियल तैयार हो रहा है। इवन स्पेशल के भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, 21 डिसेबिलिटीज वाले, एक्ट्स वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में, एनटीटी, लाइब्रेरियन, म्यूजिक और भी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे मैसेज कर लीजिए। अगर आप वीडियो देख के आते हैं तो 10 तारीख तक आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो आज ही आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। तो साथियों, अभी बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे कि सर ये PRT, TGT, PGT इसके बाद और भी जो पोस्ट है उनकी वैकेंसीज के बारे में बताया जाए। तो जैसा आपको पता है कि 5 तारीख को मीटिंग थी, मतलब 5 अप्रैल को एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से। तो वहाँ पे सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट्स गए उन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बच्चों ने, मैं और जितने भी TGT वाले हैं उन सभी की तरफ से, PRT वाले सभी की तरफ से मैं अग्रवाल सर का धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम धन्यवाद करती है कि सर आप मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि जो ये TGT वाली वैकेंसीज है क्या ये टाइम से आ जाएंगी, और इसके बाद ये PRT वाली वैकेंसीज हैं क्या ये PRT वाली वैकेंसीज भी आएंगी, ये क्योंकि PRT के बारे में बात नहीं चल रही थी। तो इसके रिगार्डिंग PRT वाले कैंडिडेट्स भी वहाँ पे पहुँचे थे और इसके बाद जो अदर पोस्ट है उनकी भी वैकेंसीज के बारे में बात चल रही थी। तो साथियों, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, क्योंकि अगर आगे कहीं भी मीटिंग होती है तो आप लोग को वहाँ पे जरूर पहुँचे, और जो भी कुछ होता है तो आगे आपको वहाँ पे पर्सनली बता दिया जाएगा। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, जो ग्रुप है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों, वहाँ पे जब बात हुई तो एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से PRT वालों ने बात करी कि सर PRT वाली वैकेंसीज के बारे में कुछ बताइए। तो PRT वाली वैकेंसीज के बारे में सर ने बताया कि जो PRT वाली वैकेंसीज हैं वो आपकी जो TGT है इनके साथ ही लगभग आ जाएंगी, और अगर 1% थोड़ा ऊपर नीचे होता है या मतलब नहीं आती हैं, वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं आएंगी, क्योंकि ये वैकेंसी जाएंगी तो ये तो बहुत थोड़ी सी आ जाएंगी साथ में, तो अगर नहीं आती तो एप्लीकेशन लगा देंगे, लेकिन उम्मीद है कि वैकेंसीज आ जाएंगी। इसके बाद जो और भी जो पोस्ट है तो उम्मीद ये कि उनकी वैकेंसीज भी इनके साथ में आ जाएंगी, और अगर नहीं आती हैं तो हम लोग, हमारी टीम और सबसे बड़ी बात अग्रवाल सर आप लोगों के साथ हैं, और वहाँ पे हम अपना जो भी कुछ है सिस्टम और सर से बात कर लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और आगे एप्लीकेशन लगवा देंगे। इसके बाद TGT वाली बात थी जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। तो साथियों, TGT वाली जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर ये टाइम से आ जाएंगे, तो सर ने यही बोला था कि हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए 2-4-5 दिन, और अदरवाइज लगता नहीं है कि लेट हो जाएंगी वैकेंसीज, आ जाएंगी टाइम से। तो ऐसे में ये बड़ी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। जो भी साथी वेट कर रहे थे, जो भी साथी काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वैकेंसीज का, लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये आता है कि ये तो चलो ठीक है कि अब आपको पता चल गया कि वैकेंसीज PRT, TGT, PGT सभी की है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये भी रखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ ही टाइम बाद, मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसे में ये आखिरी मौका समझिए आप लोग, इतनी बड़ी संख्या में भर्तियाँ होंगी, तो प्रिपरेशन में लग जाइए, मेहनत करिए, और हम लोग आप लोगों के लिए 300 रुपीज़ के मंथली फीस से कोर्स लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आपको इवन हम टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद तो हम आपको असाइनमेंट वगैरह भी वहाँ पे आपको जमा करने हैं, एक्सपर्ट टीम वो आपके देखेगी कि कितनी आपकी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, इवन जो टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा, टाइम लगाया जाएगा, कितने आपके मार्क्स आए, आप कंपटीशन में हैं या नहीं है, मतलब सारी चीज़ें सिस्टम से होंगे। तो आप दिए हुए नंबर पे मैसेज कर लीजिए, और उम्मीद है कि आप PRT, TGT, PGT सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।